हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल से शिक्षक भर्ती का एक नया विज्ञापन जारी हुआ है, जहां पर टीचर्स की वैकेंसी आई है। परीक्षा नहीं होगी, बिना परीक्षा के आप यहां शिक्षक बन सकते हैं। सैलरी 34,125 आप लोगों को मिलने वाली है। फ्रेश एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है, जहाँ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसी है। यदि आप यहाँ पर एलिजिबल हैं तो बिल्कुल आप लोग यहाँ आवेदन कर सकते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, स्पोकन इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, संगीत, विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस, कला और पीटीआई टीचर्स महिला और पुरुष दोनों की वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए मेन वेबसाइट पर, जहां पर सारी चीजें हमें मिलने वाली हैं देखने के लिए। तो ये जो है मेन वेबसाइट है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की, और यहां पर जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खटीमा उधम सिंह नगर से यह वैकेंसी है। यहां पर पद का नाम है, उसके बाद पदों का विवरण यानी कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट हैं, और एग्जाम नहीं है। बिना एग्जाम के यहाँ पर केवल इंटरव्यू रहेगा। और सिलेक्शन कैसे होगा, तो वो पूरी प्रोसेस नीचे दी गई है। उम्र यहाँ पर 40 वर्ष कही गई है। मासिक वेतन रहेगा 34,125। एज की अगर हम बात करें तो यहाँ 40 ईयर है अधिकतम उम्र। और अगर नवोदय विद्यालय संगठन या केंद्रीय विद्यालय संगठन, ठीक है, या फिर कोई भी जो है रेजिडेंशियल स्कूल के जो भी रिटायर्ड टीचर हैं, उनकी उम्र यहाँ पर 65 वर्ष तक अगर है तो आवेदन कर पाएंगे, ठीक है, अगर उनका सब्जेक्ट है तो। और बाकी जो है यहाँ पर सीट रिजर्व हैं कैटेगरी वाइज। जैसे हिंदी की अगर हम देखें, दो पद हैं, तो एक जो है अनुसूचित जाति महिला वर्ग के लिए सीट सुरक्षित है, यहाँ पर एक जो है अनारक्षित। अनारक्षित का मतलब क्या है कि अनरिजर्व कैटेगरी की एक सीट है, जहाँ कोई भी आवेदन कर सकता है, मेल फीमेल कोई भी। इंग्लिश की दो सीट है, एक ओबीसी के लिए और एक अनारक्षित महिला की है। स्पोकन इंग्लिश में एक जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है। सामाजिक विज्ञान में दो सीट हैं, और जिसमें एक जनरल कैटेगरी के दिव्यांगजन के लिए है और एक अनुसूचित जाति की। संगीत की एक है अनरिजर्व कैटेगरी की। विज्ञान की दो हैं, एक तो अनरिजर्व कैटेगरी महिला की है और एक जो है अनारक्षित वर्ग की है, जिसमें मेल फीमेल कोई भी जो है आवेदन कर पाएगा। मैथ की अगर देखें, पीसीएम ओबीसी महिला के लिए एक सीट है, एक अनारक्षित। कंप्यूटर साइंस के लिए एक ओबीसी महिला के लिए है। कला में भी जो है एक अनारक्षित, अनरिजर्व कैटेगरी में यानी जनरल कैटेगरी की, या फिर अगर जनरल कैटेगरी की महिला नहीं आती है तो ओबीसी एससी एसटी, ठीक है, महिला के लिए है। पीटीआई में महिला की एक अनुसूचित जाति की है और एक सीट जो कि अनारक्षित वर्ग में भूतपूर्व सैनिक की रिजर्व है। साक्षात्कार का स्थान क्या है, तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खटीमा उधम सिंह नगर, यहाँ आप लोगों का इंटरव्यू रहेगा। सिलेक्शन की प्रोसेस अभी बिल्कुल आप समझिएगा। साक्षात्कार का दिनांक और समय क्या है, तो इंग्लिश, हिंदी, स्पोकन इंग्लिश, एसएसटी और संगीत, तो इन सब्जेक्ट के लिए 28 नवंबर मंगलवार को सुबह 9 बजे इंटरव्यू रहेगा। उसके बाद साइंस, मैथ, कंप्यूटर साइंस, कला, पीटीआई के लिए 29 नवंबर 2023 9 बजे आपको दिए गए स्थान पर पहुंचना है। ये मोबाइल नंबर भी है, ताकि कोई भी इंक्वायरी आपको करनी है तो कर सकते हैं। तो ये दोबारा से ये चीज़ दे दी गई है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, गेस्ट टीचर या पार्ट टाइम बेसिस पर ये वैकेंसी निकाली गई है। 34,125 आपको मिलेंगे। क्वालिफिकेशन चेक कर लेते हैं, जो कि हमने अभी नहीं देखी। तो आप लोगों के जो है बैचलर डिग्री में 50% मार्क्स होने चाहिए टीजीटी हिंदी के लिए, टीजीटी इंग्लिश या स्पोकन इंग्लिश के लिए, टीजीटी एसएसटी के लिए, ठीक है। हिंदी इंग्लिश या स्पोकन इंग्लिश आपने तीनों साल जो है ग्रेजुएशन में पढ़ी हो। एसएसटी के लिए कहा है कि इनमें से दो सब्जेक्ट होना चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस, जिसमें से एक सब्जेक्ट हिस्ट्री या ज्योग्राफी तो कंपलसरी है। टीजीटी मैथ्स पीसीएम के लिए मैथ के साथ में एक सब्जेक्ट यहाँ पर दूसरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स या स्टैटिक्स, इसमें से एक होना ही चाहिए। टीजीटी साइंस के लिए कहा गया है कि इनमें से दो सब्जेक्ट फिजिक्स, मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री आपका होना चाहिए, ठीक है। तो आपने ग्रेजुएशन लेवल में इनको पढ़ा हो, और साथ में जो है वह यहाँ पर आपके बीएड मांगा गया है और सीटेट पेपर 2, ये आपका होना चाहिए, ठीक है, या फिर यूटेट, उत्तराखंड टेट आपका क्वालिफाई हो, पेपर 2। टीजीटी आर्ट के लिए कहा है 5 ईयर रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा एनी डिसिप्लिन ऑफ फाइन आर्ट,
एज ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट्स, क्राफ्ट्स आफ्टर पासिंग सेकेंडरी एग्जामिनेशन। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने की है ड्राइंग या पेंटिंग में तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। साथ में जो है वो बीएड की डिग्री, डिप्लोमा आपने जो भी किया है वो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और बिना अनुभव के आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, अगर कहीं भी पढ़ाने का अनुभव है तो वह भी आप डाल सकते हैं। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर 50% अंकों के साथ बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी में एमसीए किया है या फिर इसके समकक्ष या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ली है, ठीक है, या पीजीडीसीए, तो भी आप यहाँ पर जा सकते हैं। टीजीटी म्यूजिक के लिए जो है यहाँ 12th 50% मार्क्स के साथ में या बैचलर या मास्टर डिग्री आपने म्यूजिक में किया है, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम आपका यहाँ टीच रहेगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन 3 साल का अनुभव, ये असेंशियल यानी कि कंपलसरी है, ये म्यूजिक के लिए चाहिए, एक्सपीरियंस तो चाहिए म्यूजिक के लिए। उसके बाद जो है फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल और फीमेल दोनों के लिए तो बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में और आपके पास बीपीएड होना चाहिए। नेक्स्ट जो है आपको क्या करना है, बायोडाटा को जो है आप लोगों को फिल कर लेंगे और आप लोगों को इंटरव्यू के समय उसे जमा करवाना है अपने डॉक्यूमेंट के साथ में, और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लेके जाएंगे। सिलेक्शन कैसे रहेगा, तो इन्होंने 3 भागों में बांटा है इसे, जो आपकी अकेडमिक वेटेज है 50%, अनुभव, अब अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो भी चलेगा क्योंकि इसका केवल 10% है, इंटरव्यू का है 40%, यानी बिना अनुभव के आप लोग यहाँ पर बिल्कुल सिलेक्ट हो सकते हैं। 40% आपके हैं इंटरव्यू के और 50% हैं आपके एकेडमिक वेटेज, ठीक है। इंटरव्यू के लिए भी जो है इन्होंने बता दिया है कि 40 मार्क्स में आप लोगों से क्या क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल यानी आपके बोलने का जो स्टाइल है 10 मार्क्स इसमें से आपको मिलेंगे। जीके एंड करंट अफेयर में 5 मार्क्स रखा गया है। सब्जेक्ट नॉलेज जिस सब्जेक्ट के हैं आप उसके 20 मार्क्स रखे गए हैं। और पर्सनैलिटी आपका जो है चलने का, आपका जो है देखने का तरीका, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये 5 मार्क्स का, तो इस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया है। और ये आर्ट एंड म्यूजिक टीचर को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 40 मार्क्स इंटरव्यू। उसके बाद जो है आर्ट एंड म्यूजिक टीचर के लिए यहाँ पर 5 मार्क्स पर्सनालिटी के, सब्जेक्ट नॉलेज 15 मार्क्स की, जीके करंट अफेयर 15 मार्क्स का, कम्युनिकेशन स्किल फॉर स्पोकन इंग्लिश, खासकर यहाँ पर इंग्लिश में कैसे जो है बोलना है, ये आर्ट एंड म्यूजिक टीचर के लिए है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्मेट आप लोगों को यहाँ मिलेगा फॉर टीजीटी ऑन गेस्ट टीचर एंड पार्ट टाइम बेसिस 2023-24, तो ये आप लोग जो है डाउनलोड करके फिल करके इंटरव्यू के समय आप लोगों को लेके जाना है साथ में। एक बात जो है आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है, यहाँ पर 5 नंबर जो है वो आप देखें, अभी जो है ईएमआरएस में जो है एग्जाम होने हैं, ठीक है, आप सभी जानते हैं, तो यहाँ पर लिखा है फ्रॉम जुलाई 2023 टू मई 2024, जब तक यहाँ पर परमानेंट टीचर्स की जो है पोस्ट पर टीचर्स नहीं आ जाते हैं तब तक जो है यहाँ पर जो गेस्ट टीचर्स हैं वो बने रहेंगे, यानी ये वैकेंसी जो है वो निकाली गई है केवल जब तक परमानेंट टीचर्स नहीं आ जाते, तो आप लोगों को यहाँ अनुभव ही मिलेगा। अगर परमानेंट वैकेंसी आती है तब जो है आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर जो है किस तरीके से पढ़ाना होता है, क्या क्या जो है यहाँ फैसिलिटी दी जाती है, क्योंकि आवासीय विद्यालय है, रहना खाना ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड होती ही है, ठीक है। तो बाकी सारी डिटेल में जो है जानकारी आपको मिल जाएगी अगर आप यहाँ पर जाते हैं, और बाकी आप देख सकते हैं। तो मेन वेबसाइट है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल कालसी देहरादून से, और यहाँ पर रेड लाइन जो है इसी में आप लोगों को दिखाई देगा, वॉक इन इंटरव्यू फॉर गेस्ट टीचर इन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खातिमा, ठीक है, क्लिक हेयर, इस पर आप क्लिक करेंगे आप लोगों को विज्ञापन और एप्लीकेशन फॉर्म दोनों ही मिलेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।